बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ सब बहन भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल तहरापी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, साथ लगे घंटी के बटन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि आज मैं बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि सारा दिन सफाई की है, फर्श वगैरह धोए हैं, घर की सफाई की है कि इंसान घर से चले जाए तो एक दिन सफाई ना करे तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो अब हो गया शाम का टाइम, अब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ और जो सीन भी हुआ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। जे कबीर बेटा मेरा देखो होमवर्क हो रहा है, इधर लेट के बैग पीछे। बेटा बैग तो उतार लो कबीर, सीधे होकर बैठ के होमवर्क लिखो। तो इस तरह लिखना है, लिख लिया है एक पेज लेके। समीर बेटा इधर बैठा है, इसने अपना होमवर्क लिख लिया है और सबक भी याद कर लिया है। थोड़ा जो रहता है वो सुबह करेगा। मामा बिटिया ने पीछे बैग डाला हुआ है, वो पता नहीं क्या लिख रही है। और ये अम्मी के घर से हम लोग आए थे, समीर बेटा लेके आया था मौसमी और मिठे, इधर ही पड़े हैं। तो ये सफाई वगैरह तो कर ली है, ऊपर से जब आए थे तो गाड़ी के ऊपर ये जो डाली हुई है कपड़ा वगैरह तरपाल वगैरह, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मट्टी, इतनी ज़्यादा गंदी थी जी। आज मैंने सारे धोए हैं, फर्श वगैरह भी सारे धोए हैं, साफ हो चुके हैं। नहीं बेटा जब तेरे पापा आएंगे, अभी कपड़े मेरे धोने वाले हैं, बाकी सारा साफ सुथरा हो गया। पापा कह रहे मेरे तो तू ही तो चलानी कर रही है, मेनू डोर ही छड़ के आ रही है। अच्छा चलो फिर तू वड्डा हो ना, जल्दी जल्दी कोई खाए। पापा कह रहे घर तेरे रेंट तेरे को वो साफ तो करया कर। अच्छा चलो फिर ते ऊपर सूरज बिल्कुल ग्रुप हो चुके हैं ते थोड़ा बहुत ही रह गया ते हुन जल्दी जल्दी खाना बनाने हैं तो फिर बैठ के खाने हैं। जी बेटा मेरा हो गया, मम्मा देखो तू हो गया थोड़ा। ये क्या लिखा है? एथो एथो भी लिखा है, की लिखा? मैंने तो कोई समझ कोई नहीं आंदी। बीसी लिखा है, बीसी लिखा है। ते इधर चार पाई सीधे होकर बैठ के लिखो ना बैग उतार के। जी अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ। ये मैंने सब्जी तैयार करके रखी है, ये है सब्ज़ मिर्च और टमाटर, ये लहसुन प्याज और ये है गोभी आलू। ये सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है तो अब मैं खाना पकाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घी अच्छी तरह गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने डाल लिया है गोभी आलू, तो अब साथ ही डाल देती हूँ ये लहसुन प्याज और साथ में टमाटर मिर्चें। ये अच्छी तरह सारा सामान घी में मैं फ्राई करूँगी पहले। ये सारा सामान मैंने ऐड करके घी में मिक्स कर दिया है, अब अच्छी तरह घी में फ्राई करूँगी। ये आलू गोभी और टमाटर मिर्ची और प्याज लहसुन अच्छी तरह घी में मैंने फ्राई कर लिया है, तो अब मैं डालती हूँ मसाले। मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं, अब अच्छी तरह मसालों की भी मैं बनाई करूँगी। मसालों की बनाई मैंने अच्छी तरह कर ली है, अब थोड़ा सा इसमें करती हूँ मैं पानी ऐड, ये सब्ज़ी अच्छी तरह नरम हो जाए। ये पानी मैंने ऐड कर दिया है, अब कर लेती हूँ इसे मिक्स। अब ऊपर से करती हूँ कवर इसे और अब नरम होने तक इसे पकाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं सालन कर लेती हूँ चेक। माशाल्लाह से जी सालन सारा तैयार हो चुका है।
तो उपर थोड़ी देर लिए और कवर कर दें कि अच्छी तरह नरम हो जाए। तो आटा भी मैं गूंद लिया है, हूँ बना दिया मैं रोटियाँ। तो मामा बिटिया मेरी कह रही है कि मामा जी मैं आटा दो तो मैं भी रोटी बनानी है। कि वास्ते रोटी पकान लगी? अपने पापा वास्ते रोटी पकान लगी है। पापा नहीं आए? तो अपने पापा ने कितना प्यार कर दी है? दो प्यार कर दी। अच्छा तो पापा वास्ते रोटी पकाए, फिर पापा तेरे भूखे रहेंगे हैं? तो अपने पापा ने देनी है पका के। अच्छा चलो जी, हूँ मैं हैं तुम्हें ना मेरे वास्ते पका दी। अच्छा ये किचन में अजे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पसीना मैनू इन्ना ज़्यादा आया है। तो हूँ मैं बना रोटियाँ मामा बिटिया तो अपने पापा वास्ते बना रही है, तो मैं अपने वास्ते तो बच्चों वास्ते भैन वास्ते बना रही हूँ कि अपने बेटिया वास्ते मेरे वास्ते पका पई है। अच्छा तो हूँ मैं बनानी शुरू कर दी रोटियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे घर बहुत ही स्पैशल गैसट आए हैं, यानी कि मेहमान आए हैं, तो असी उन्होंने देंदे हम पानी पहले, तो हम असी पानी पा लेंगे गिलासा च। मैं खुद ही मोबाइल हाथ पकड़िया हो इस वास्ते अगर कोई गलती हो जाए, मोबाइल अगे पिछे कैमरा हो जाए तो भैन भाई महसूस ना करन। पानी असी बोतलों च पा लिया, तो हूँ असी लैके जाने मेहमानों को पिलाने। साढ़े को आए जी मेहमान, पानी असी पिला लिया, हूँ बनाने चाय, तो चाय भी बना के दें। जूस उस बेच पा के मैं पत्ती पा ली है, तो हूँ मैं कप शप कढ़ के लिया, तो नाल जड़ी चीज़ देनी वह भी कढ़ दी। चाय साड़ी तैयार हो चुकी है, तो हूँ मैं दें मेहमानों ने भी, खुद भी पीने तो मेहमानों ने भी दें। कप वगैरह मैं लिया के अपने को रख लिया, बिस्कुट नमक भी रख ली है, तो हूँ चाय मैं कप्पा च पाती हूँ। जी चाय बना ली है, हूँ असं दे के आते हैं मेहमानों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आया था सब्जी वाला, तो बच्चों को लेके दिए हैं सब्जी ली है, और बच्चों को अंगूर लेके दिए हैं, तो हम बैठ के अब खाते हैं। पहले यह मामा बिटिया लगी हुई है खाने के लिए, चलो स्पून के साथ खाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले। लगता तेरी मम्मा बड़ी मोटी होगी। ਗੁਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਐ ਮਮਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਿਫਟ ਮਜੇ ਦੇ ਗਿਫਟ ਚਲੋ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਏ ਅੰਗੂਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ
ये अंगूर के हम खाते रहेंगे, गपशप भी लगाते रहेंगे। वीडियो के एंड में यही करती हूँ। ये है हमारी आज की वीडियो। जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रब सोने दे हवाले। रब रखा ते अल्लाह हाफिज़।